किसको वोट पड़ेगा इस बार? मोदी जोगी को। मोदी जोगी को। अच्छा, क्या कारण है कि इस बार आप लोग मोदी और योगी को वोट कर रहे हैं? राशन बांटत है, 2000 किसान के पैसा देते हैं, फसल पर खेती करके देते हैं, क्यों देते रहा? क्यों ना देते? एक पहले सरकार रहे और ये सरकार में का अंतर बा? कितना बढ़िया बा? बहुत अंतर बा, बहुत बढ़िया। क्यों बताइए? सब बढ़िया बा, ये ना बढ़िया क्यों नहीं बा? यहाँ पर कभी नहीं जीते लोग, यहाँ की जनता जो है, कोई कोई ऐसे थे कि एक मुन्ना बाबू यहाँ के, एक ये अमन बाबू, यही दो पार्टी यहाँ के लेके घूमते थे। और इस बार? इस बार तो आपके साथ है, कितना हो कोई फुफलावे बाकावे, लेकिन जाएगी वोट भाजपा को। भाजपा को। अच्छा, नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ संदीप त्रिपाठी। हम इस समय मौजूद हैं नौतनवा विधानसभा में, और नौतनवा विधानसभा के जिगिना गांव में है। यहाँ पे कुछ स्थानीय महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानेंगे चुनाव में माहौल क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं। देखा जाए तो लगभग 3 फेज का चुनाव और 3रे फेज का चुनाव मतदान हो रहा है, और आने वाले समय में यहाँ भी मतदान लगभग अगले 10 दिनों में होगा। तो यहाँ आइए जानते हैं इस बार माहौल क्या है यहाँ पे। ठीक है, किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? मोदी जोगी का। हाँ, अच्छा, मोदी जोगी आज थी चौथा पन लग गई। हाँ। लेकिन ऐसा सरकार हम ना देख ली। अच्छा। हाँ, कैसन बा सरकार? ई सरकार अच्छा बा। हाँ। 2 बेर महीना में राशन देता, पेंशन देता, किसानन के 1,000 रुपया खाता में 2,000 आवता कार्तिक में अषाढ़ में। अब ऐसा सरकार कौन आएगा? और का मिला ला आपके? और तेल मिलाला, और चना मिलाला, नमक मिलाला, सीधवा मिलाला। ते क्यों, कैसा सरकार है, क्या क्या उपलब्धियां है सरकार की? बढ़िया है बाबू, सब कुछ मिलाला, सब कुछ मिले। हाँ, किसको वोट करेंगे? हाँ, किसको वोट करेंगी? के वोट दिया है? जोगी। हाँ, मोदी जोगी। हाँ, क्यों चाची, के वोट दिया है? मोदी जोगी के। मोदी जोगी के। अच्छा, एक पहले सरकार रहे, सरकार में कौन बेहतर सरकार बा, के बढ़िया बा? यह बढ़िया बात है। क्या अच्छा ये बताइए, क्या क्या बढ़िया है बताइए? मोदी जोगी। अच्छा, क्या क्या मिलता है आपको? गेहूँ, चाउर, चना, रिफाइन, नून। क्यों, क्या क्या और दिया है? हम बाऊ बाटी बलंग। हम तक ना बोली ला कहे, आइए आइए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है? हरिराम। किसको वोट पड़ेगा इस बार? मोदी जोगी को। मोदी जोगी को। अच्छा, क्या कारण है कि इस बार आप लोग मोदी और योगी को वोट कर रहे हैं? राशन बांटत है, 2000 किसान के पैसा देते हैं, फसल पर खेती करके देते हैं, क्यों देते रहा? क्यों ना देते? क्यों ना देता? क्यों ना देता? एक पहले सरकार रहे और ये सरकार में का अंतर बा? कितना बढ़िया बा? बहुत अंतर बा, बहुत बढ़िया। क्यों बताइए? सब बढ़िया बा, ये ना बढ़िया क्यों नहीं बा? का बढ़िया बा? सब लोग का सुविधा बा। कौन कौन सी सुविधा तुके मिलल चाचा, क्या का सुविधा मिलल? अरे पैसा मिलल, राशन मिलल, तेल मिलल, उची मिलल, सब कुछ मिलल। अच्छा। हाँ। पेंशन? पेंशन। शौचालय? शौचालय। आइए, कुछ क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका, बताइए? मुनई प्रसाद। मुनई प्रसाद, आप ये बताइए कि यहीं के रहने वाले हैं? हम उस टोले पर। अच्छा, मतलब विधानसभा यही? हाँ, हाँ, विधानसभा यही है। पिछले 5 सालों में योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या उपलब्धियाँ रही? बहुत कुछ उपलब्धि, जो चाहिए सो मिला। क्या मिला वही बताइए। अरे 6,000 रुपया प्रति साल में मिलता है हम किसानों को। इधर राशन मिलता है हर प्रकार का, नमक, तेल, चना, चावल, गेहूँ, और ये जो टॉयलेट फॉयलेट की बात है, ये तो प्रधान लोग जो है खा चुके हैं। ये तो प्रधान लोग खा चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि सरकार, योगी सरकार और अखिलेश सरकार में किसका कार्यकाल बेहद बढ़िया था? सबसे अच्छा योगी सरकार। क्या अच्छाई थी बताइए उस सरकार में, क्या मतलब आप लोग कह रहे हैं योगी सरकार? सरकार में पहले तो बिजली नहीं आती, बिजली नहीं उपलब्ध थी, सड़कें सब खराब थी, सब कुछ प्राप्त हुआ। सरकार में बिजली नहीं आती थी कहाँ, एक एक महीना 15-15 गुप्त रहती थी। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि गुंडों और दंगाइयों की सरकार आ जाएगी अगर बीजेपी को। ये तो होना मुश्किल है। हाँ, आएगी तो योगी जी की आएगी, योगी जी। हाँ, अच्छा, अखिलेश जी की सरकार कैसी थी? हम लोगों के मजहब की नहीं थी, हम लोगों को ठीक नहीं थी। अच्छा, मजहब की बात कर रहे हैं। मजहब सब कुछ बेकार था, सब कुछ बेकार। हाँ,
सबको अंगुली दिखाने वाला था। इस राजकाल में कोई नहीं अंगुली दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा है। सब लोग पहले अंगुली दिखाते थे। हाँ, हाँ क्या कहते थे? अरे बहुत कुछ कहते थे, हम सरकार हमारी है। अच्छा सरकार हमारी है। हाँ हम यादव हैं, हम वाह हैं, और क्या, यही सब कहते थे और क्या। अच्छा देखा जाता है यहाँ से बीजेपी पिछले बार मोदी और योगी की खूब लहर थी लेकिन उसके बाद भी जीत नहीं पाई थी, क्या कारण था? यहाँ जैसे यहाँ पर कभी नहीं जीते लोग, यहाँ की जनता जो है कोई कोई ऐसे थे कि एक मुन्ना बाबू यहाँ के, एक ये अमन बाबू, यही दो पार्टी यहाँ के लेके घूमते थे। और इस बार? इस बार तो आपके साथ है, कितना हो कोई फुफलावे बांकावे लेकिन जाएगी वोट भाजपा को, भाजपा को। अच्छा यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ऋषि त्रिपाठी, ये आप लोगों के बीच कभी आते हैं, कभी मिले हैं आप लोगों से? नहीं कभी नहीं मिले थे, कल नहीं परसों में वहाँ विप्रवास में हम देखे। अच्छा मतलब आप देखे थे क्षेत्र में चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इस बार आप लोग नहीं वोट करेंगे? हाँ हाँ, हम लोगों का वोट फूल ही है, मतलब फूल है, लेकिन फूल तो यहाँ नहीं, भोजन भरे, भोजन भरी थाली, पार्टी तो वही है ना, पार्टी वही है। हाँ बस। तो इस बार योगी और मोदी को लाएंगे? हाँ लाएंगे। तो ये कुछ स्थानीय लोग थे और आपको बता दें कि काफ़ी साफ कहना है इन लोगों का कि भोजन भरी थाली जो बीजेपी गठबंधन के सिंबल मिला है निषाद पार्टी को, उस पर हम लोग मतदान करेंगे। और कहीं ना कहीं पिछले बार यहाँ की लोगों ने, लोग बहक गए थे, तो इस बार यहाँ के एक बुजुर्ग थे कहे कि इस बार वो चीज़ें नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम लोग यहाँ पर भोजन भरी थाली को वोट करेंगे। बाकी ने खबर जुड़े रहें गोरखपुर।